गुरु पूर्णिमा महाउत्सव के अवसर पर इंदौर जिले के बेटमा में अन्य भी कई आयोजन हुए, जिसमें श्री वैष्णव भागवत समिति द्वारा आयोजित भागवत कथा के समापन पर रुक्मणी विवाह का प्रसंग चर्चा में रहा। बारात पूरे नगर का भ्रमण कर कथा स्थल पहुंची और बारातियों ने जमकर थिरके। इस बारात में नगर के सभी गणमान्य नागरिक भी शामिल थे। साथ ही 9 जुलाई से शुरू हुए इस साप्ताहिक कथा का समापन भी कथाचार्य बालक स्वामी जी के पाद पूजन व आशीर्वचन के साथ हुआ। इसी मंच से वयोवृद्ध का सम्मान होने के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने महाप्रसादी ग्रहण की। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। नगर के लोगों ने बहुत ही सम्मान दिया, स्वागत किया, प्यार दिया। हरिओम श्री राधे, हरिओम हरिओम श्री राधे, हरिओम। रुक्मणी जी आप बताएं, हेलो, कैसा महसूस कर रहे हैं इस रोल में? हेलो हरिओम हरिओम हेलो हेलो। गोष्ठ उत्सव जो हो रहे हैं लगातार, यहाँ भागवत जी की कथा में नए नए उत्सव हो रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव केशवाचार्य जी, गुरुदेव बनारस वाले मुखारविंद से जो यहाँ भागवत कथा की ज्ञान गंगा का आयोजन 9 तारीख से 16 तारीख तक किया जा रहा है, जिसमें आज रुक्मणी विवाह हुआ था। और रुक्मणी विवाह में बारात लेकर के आए थे, खंडवा बेटमा का वर पक्ष था और खंडवा का वधु पक्ष था। और बेटमा में पूरे नगर में जो यहाँ के बब्बी दरबार के वर पक्ष की ओर से जो बारात निकाली, उसमें बहुत जोश खरोश के साथ में बारात निकली और खूब उल्लास के साथ में यह बारात निकाली गई, जिसका आनंद पूरे बेटमा नगर ने हुआ। वर पक्ष की तरफ से आप भी थे, तो आपको कैसा आनंद हुआ? वर पक्ष की तरफ से था मैं भी, और मुझे आनंद आया। खूब नाचे कूदे गाए और भगवान की बारात लेकर के आए और ऐतिहासिक बारात का आनंद उठाया।